आज सुबह बाहर निकलने का मौका मिला है, कुछ ज़रूरी सामान लाना है, दूध लाना है, कुछ और भी सामान लाना है, तो चलते हैं बाहर की ओर। और हमने कैमरे को सेट कर दिया हेलमेट पे और निकलते हैं सीधे बाहर, क्योंकि इसी बहाने थोड़ा सा बुलेट को भी चलाने का मौका मिला है, तो वो भी रवा हो जाएगी। सीधे चलते हैं सीधे बाहर की ओर। तो ये है हमारी बुलेट। कई दिन हो गया, इसको कर लेते हैं स्टार्ट। ये रहा सुबह का पहला किक। दूर दूर तक कोई नहीं। यार बुलेट तो चलाने का मजा ही अलग है यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। ये आ गए हम 4 लेन पे। दाएं देखो, बाएं देखो, फिर चलते हैं सीधे। या क्या मजा आ गया, मजा आ गया। बुलेट चला के तो बिल्कुल एकदम यार ऐसा लग रहा मोबाइल ना जेब से निकल के उड़ जाए। क्या बात है। ये हैं सारी दुकानें, आधी खुली हैं आधी बंद है। लखनऊ रोडवेज की बस है। काम धंधा बहुत तेजी से शुरू हो रहा है। दे दो 2 लीटर दे दो। नमस्कार भाई साहब, ठीक है, आप बताइए। हाँ? अरे ये 3D सही पकड़े हो। ये 100 रुपया था उस दिन ना, 200 दिया था हमने, 100 रह गया। लिखे कितने ही हो कहीं ना, अभी यही गया मुझे याद आ गया, फिर लौट के आ रहा हूँ। ये कैमरा है भाई,
मतलब इसे क्या फंक्शन क्या है इसका? ये सब रिकॉर्ड हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं आप जिससे मिलेंगे उससे सब रिकॉर्ड है। हाँ तो कैमरा देखते ही भाई लोग पूछते हैं क्या है। और ये थी जावेद इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, ग्राम व पोस्ट कठौरा जिला अमेठी। भाई के यहाँ सामान ठीक ठाक रेट में मिल जाता है। ये 80 की स्पीड में चल रही है अभी गाड़ी हमारी। हाँ क्या यार मजा आ गया सच्ची में, सच बोल रहा हूँ। 90 की स्पीड में हूँ मैं, पीछे से कार आ रही है तो एक लेन कम से कम छोड़ दूँ मैं। हाँ यार राइडिंग को बहुत मिस कर रहा हूँ, कोई लॉन्ग दूरी की लॉन्ग डिस्टेंस मारना हो तो ये है मारुति सुजुकी का शोरूम। लग रहा काम चालू हो गया है, गाड़ियां सब धूल फाक रही हैं, कितनी ज़्यादा गाड़ियां पड़ी हैं बाप रे। यहां भी कुछ काम चालू हो गया है, इसकी रंगाई हो गई तो कलर ही अलग रंग दिया इसको। एक ये चौपाल सागर करके फैक्ट्री है, ना जाने क्या बनता है इसमें। अभी ये दो नए दुकानें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया तो अभी लग रहा है फिर शुरू हो गया। ये भी कुछ नया बन रहा है भैया, अंडरग्राउंड बना रहा है कुछ। सामने भी एक बड़ी फैक्ट्री एक दो दिख रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। लखनऊ है 74 किलोमीटर, इनौना है 3 किलोमीटर। भाई गाड़ी की धुलाई शुरू हो गई तो थोड़ा सा लग रहा है कि जो जीवन है वो धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। जीवन सामान्य हो जाए तो अच्छा है। यहाँ भी दुकान खुली हुई नज़र आई हमें छोटी सी। अभी यह सीमा समाप्त हो गया है थाना कमरौली का और हम इनौना थाना में एंटर कर रहे हैं। आगे एक कट मिलेगा वहीं से घूम जाएंगे। यहाँ भी एक फैक्ट्री दिख रही है, कोई बड़ी सी फैक्ट्री दिख रही है। ये ढाबा भी खुला है, चलिए अच्छी बात है। ट्रक वालों के लिए बस वालों के लिए थोड़ा सा चलो तो ठीक ही है। अब मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ज़्यादा आगे जाऊँगा नहीं। थोड़ा सा मैं देख लूँ मेरा दूध तो नहीं गिर रहा है, क्योंकि दूध मैंने ऐसे डब्बे में रखा हुआ है। टेढ़ा हो गया तो सारा दूध पता चला रास्ते में गिर जाएगा, इसलिए एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। एकदम फिट है 90 की स्पीड में भी। आह हा हा, मतलब यार क्या लाजवाब लगती है यार, बुलेट तो बुलेट ही होती है, मानते हो कि नहीं? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना। महवा भोज, ये जो सामने आपको खंडहर दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, ये था पहले कभी मालविका की फैक्ट्री थी और ये अभी बंद पड़ गई। हालांकि बंद तो बहुत पहले पड़ गई तो ये खंडहर रह गया। इसके पीछे बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़े एरिया में फैक्ट्री है तो फिलहाल ये बंद हो गई है। और सब खंडहर हो गया, इसके अंदर के जो सामान थे खिड़की दरवाजे थे लोग उठा ले गए इसको। यहाँ एक ये एमटी इंटरनेशनल स्कूल चल,
दूध लेने आया था तो बहुत दिन से निकाली नहीं थी, मैंने कहा चलो निकालते हैं। अच्छा पब्लिक जहाँ पे गैदरिंग होती है ना, शादी हो गई, विवाह हो गया, पार्टी हो गए, बड़े बड़े मॉल हो गए, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ से फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, वो तो नहीं खुल पाएगा। दूध भी नहीं हो पाएगी। ईद मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो जाएगी, लेकिन अब ये कहिए कि मतलब भीड़ भाड़ इकट्ठा करके तो मुश्किल है। ज़्यादा दूर तक है, ट्रक तक जाएंगे। कौन से ट्रक तक? ये वाले ट्रक तक जाओ, ज़्यादा उससे दूर मत जाना फिर। चलाए हो कभी? तब का दिक्कत। एक गियर में होगी, क्लच लेके स्टार्ट करो। जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया भाई, अभी अभी कल परसों नर्सों का केस है, यहीं पे थाने के सामने मैं था, साइकिल बनवा रहा था, और किसी ने एक अपने मतलब भाई भाई में लड़ाई हुई। थैंक यू सर। लड़ाई ऐसी हुई कि उसने अपने भाई की आंख फोड़ दी। अपने मारा मतलब उसको, अब आँख फोड़ने के लिए नहीं मारा होगा, लेकिन लड़ाई में उसकी आँख फूट गई। अब वो जब केस चलेगा 10 साल के लिए जेल में गया ना। ये किसी गांव का है शायद, बगल का ही गांव का है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आदमी का इंटेंशन तो नहीं होता है कि उसे मार दे, और लेकिन कभी कभी गुस्से में ना उल्टा सीधा लग जाता है, तो फिर आदमी के आगे की पूरी जो ग्रोथ है बंद हो जाती है, आगे का विकास रुक जाता है। कुछ करना तो पहले सोचो। और क्या, नहीं भाई देखो, अगर ग्रो करना है और ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चलते रहे तो सबसे ठीक है। मैं कह रहा हूँ कोई कुछ कह रहा है तो चुपचाप अपना सुन भी लो और ठीक है सॉरी कह के निकल लो, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो 2-4 दिन अपने को भी टेंशन होती है, कई दिन तक टेंशन बनी रहती है। आदमी सही से खा नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा, गलत गलत विचार आएंगे दिमाग में, इसलिए ना पंगा किसी से लो, ना किसी को जो है टेंशन दो ना लो, अपना आराम से बढ़िया से हंसी खुशी ज़िंदगी चलती रहे, ज़्यादा बढ़िया है, और उसके लिए अपने को बिजी रखो। ये रहा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जगदीशपुर सेल। ये यहाँ का मंदिर है, शिव मंदिर। तो अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाया जाए। ना रहन दो, बस यहीं 2 मिनट में चले जाएंगे, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक ठीक ऐसा सीधा रखेंगे। तुम्हारे लिए दही लाया हूँ। कैमरा अभी भी चल रहा है। तो आज की राइड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और इसी के साथ साथ आज वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।